उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से अपने दिफाई बजट में $1 अरब कमी पर गौर। यूक्रेन जंग के बावजूद कैनेडियन हुकूमत दिफाई अखराजात में कमी करेगी। कैनेडियन आर्मी चीफ का कहना है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दिफाई बजट से तकरीबन $1 अरब निकाल सकें। NDP का कैनेडियन हुकूमत से खुराक की कीमतों में तजवीज़ अपनाने पर गौर का मुतालबा। जगमीत सिंह का कहना है 2 सालों से लिबरल हुकूमत खड़ी है और देखती रही है। ट्रूडो इलेक्शन करीब आने पर इकदाम कर रहे हैं। 5 साल बाद कनाडा सऊदी अरब ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। सऊदी अरब ने कनाडा के लिए परवाजें दोबारा शुरू कर दी। जद्दा और पियर्सन एयरपोर्ट के दरमियान 2 दिसंबर से परवाजें चलाई जाएंगी। तुर्किया पार्लियामेंट धमाका, हमला आवरों की कार का भी पता लगा लिया। तुर्क फिजाइया के शुमाल में कुर्दों पर हमले, 20 ठिकाने तबाह। तुर्क सदर का कहना है ऐसे मुल्क में नहीं रहते जहां पार्लियामान खत्म करके बगावत की जाए। यूक्रेन के लिए अमरीकी हिमायत को रोकने की इजाजत नहीं दे सकते, कांग्रेस खेलना बंद करे। जो बाइडन का कहना है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की अक्सरियत यूक्रेन की मदद करने की हिमायत करते हैं। हमारे पास वक्त है लेकिन ज्यादा नहीं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन हुकूमत की जानिब से अपने दिफाई बजट में $1 अरब कमी पर गौर किया जा रहा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से अपने दिफाई बजट में $1 अरब कमी पर गौर किया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल वैन आयर और नायब वजीर दिफा बिल मैथ्यूज ने हाउस ऑफ कॉमन्स की दिफाई कमेटी के सामने गवाही दी, जहां उन्होंने वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के मंसूबे के असरात को मजीद तफसील से तस्लीम किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग के बावजूद कैनेडियन हुकूमत दिफाई अखराजात में कमी करेगी, क्योंकि दिफाई बजट में कमी कैनेडियन हुकूमत की अखराजात में कटौती मुहिम का हिस्सा है, जिसके बाद कनाडा का अगले बरस दिफाई बजट $26.5 अरब रहने का इम्कान है। ख्याल रहे कि नेटो रुकन कनाडा ने दिफाई बजट GDP का 2% करने पर आमादगी जाहिर की थी, जबकि कनाडा का पिछले बरस दिफाई बजट GDP का 1.3% था। इस माह के शुरू में आयर और मैथ्यूज ने एक मुश्तरका दाखिली बयान जारी किया, जिसमें मुतनब्बा किया गया था कि महकमे से तवक्को की जाएगी कि वो वफाकी हुकूमत के अखराजात को कम करने के मजमूई मंसूबे में हिस्सा डालेगा। आयर ने 4 फरी की कमेटी को बताया कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप दिफाई बजट से तकरीबन $1 अरब निकाल सकें और इसका कोई असर ना हो। ये वो चीज़ है जिसके साथ हम अभी मुकाबला कर रहे हैं। NDP लीडर जगमीत सिंह हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो मुल्क भर में खुराक की कीमतों को कम करने के लिए उनकी पार्टी की तजवीज़ को अपनाएं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NDP लीडर जगमीत सिंह हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो मुल्क भर में खुराक की कीमतों को कम करने के लिए उनकी पार्टी की तजवीज़ को अपनाएं। सिंह ने 18 सितंबर को हाउस ऑफ कॉमन्स में कम कीमतों के लिए कैनेडियन एक्ट मुतारिफ कराया। ये मसाबकती ब्यूरो को कीमतों के तायुन समेत बास मुकाबला मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए जुर्माने जारी करने का मजीद इख्तियार देगा। सिंह और टेलर बिचराज MP बराए सिकीना बल्के वाली ने कानून साजी पर तबादला ख्याल करने के लिए टेरिस
बीसी में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि इससे ऐसी खामियां बंद हो जाएंगी जो ग्रोसरी की बड़ी जंजीरों को मुकाबले की कीमत कम करने देती हैं। तकरीबन 2 सालों से लिबरल हुकूमत खड़ी है और देखती रही है, जबकि ग्रोसरी के CEOs ने मेहनत कश खानदानों की पुश्त पर रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। सिंह ने एक न्यूज़ रिलीज में कहा, हकीकत यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ देखभाल शुरू की और ये मुलाकातें उस वक्त बुलाएं जब वो इंतखाबात में उतरे। अगर वो इसके बारे में संजीदा हैं तो वो अपने बिल में NDP की मजबूत तब्दीलियां शामिल करेगा और आखिरकार लालची कॉरपोरेशंस और खाने की कीमतों को कम करेगा। सिंह ने ये बिल उस वक्त मुतारिफ करवाया जब ट्रूडो ने सार्फिन की लागत को कम करने या नतायज का सामना करने के लिए मुल्क भर में ग्रोसरी चेन्स का मुतालबा किया। रिटेल काउंसिल ऑफ कैनेडा ने ये कहते हुए जवाब दिया कि उसे लगता है कि ग्रोसरी स्टोर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। स्टोर्स पर खाने की 70% से ज्यादा कीमत सप्लायर्स की कीमत से मुतालिक है और सिर्फ 2% हकीकी स्टोर मुनाफा है। NDP का कहना है कि कनाडा इस वक्त मुल्की तारीख में फूड बैंक के इस्तेमाल की बुलंद तरीन सतह देख रहा है। शुमारियात कनाडा के मुताबिक खुराक की कीमतों में इजाफे ने 2021 के आखिर से सार्फिन की अफराते जर को पीछे छोड़ दिया है। एजेंसी का कहना है कि इसकी वजूहात में तवानाई की कीमतें, बढ़ती हुई खराब सूरत हाल, नकल व हमल के अखराजात और थोक फरोशों और खुर्दा फरोशों पर बढ़ते हुए मार्जिन शामिल हैं। 2018 के तनाज़े के बाद ताल्लुकात मामूल पर आने के बाद सऊदी अरब ने कनाडा के लिए परवाजें दोबारा शुरू कर दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2018 के तनाज़े के बाद ताल्लुकात मामूल पर आने के बाद सऊदी अरब ने कनाडा के लिए परवाजें दोबारा शुरू कर दी। सऊदी अरब की कौमी एयरलाइन 5 साल के सिफारती कश्मकश के बाद कनाडा के लिए परवाजें दोबारा शुरू कर रही है। सऊदीया, जिसे पहले सऊदी अरबन एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था, जद्दा और टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान 2 दिसंबर से हफ्ते में 3 बार परवास करेगी। ट्रांसपोर्ट कनाडा का कहना है कि 2018 के बाद ये पहला मौका है जब दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त रूट्स हैं, जब सऊदी अरब ने इंसानी हकूक के रिकॉर्ड की कनाडा की जानिब से शदीद मजम्मत पर एहतजाज करते हुए परवाजें मुअत्तल कर दी। इस साल ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने मुल्क से मुतालबा किया कि वह खवातीन के हकूक और जमहूरियत के कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा करे। इसके जवाब में सऊदी अरब ने कनाडा से अपने सफीर को वापस बुला लिया और कनाडा के सफीर को मुल्क बदर कर दिया, जबकि कनाडा में तालीम हासिल करने वाले अपने शहरियों की तादाद को भी कम करने की कोशिश की। दोनों ममालिक ने मई में एक दूसरे की दारुल हुकूमतों में नए सफीरों का इस्तकबाल करने पर इत्तेफाक किया था। अंकरा बम धमाके के बाद तुर्क फिजाइया ने शुमाल में कुर्दों पर हमला करके 20 ठिकानों को तबाह कर दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अंकरा बम धमाके के बाद तुर्क फिजाइया ने शुमाल में कुर्दों पर हमला करके 20 ठिकानों को तबाह कर दिया, जबकि तुर्किया पार्लियामेंट में दाखिल होने की नाकामी पर बाहर खुदकुश धमाका करने वाले हमला आवर जिस कार में आए थे, वो उन्होंने एक वेटरनरी डॉक्टर को कत्ल करके छीनी थी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि तुर्किया को यूरोपीय यूनियन से कोई तवक्कात नहीं है। दहशतगर्द कभी अपने अजायम में कामयाब नहीं हो सकते। नए पार्लिमानी सेशन के लिए नया आइन तरजीह है। अब हम ऐसे मुल्क में नहीं रहते जहां पार्लिमान खत्म करके बगावत की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्किया महंगाई के खिलाफ कोशिशें जारी रखेगा। तुर्किया की तरक्की के लिए बहुत काम किया गया है। सदर उर्दुवान का कहना था कि तुर्किया को यूरोपीय यूनियन से कोई तवक्कात नहीं है। यूरोपीय यूनियन अपनी गलतियां, खुसूसन वीजा मामलात में गलतियां दुरुस्त नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन तुर्किया से किसी भी किस्म की तवक्को का हक खो देगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया के दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट के करीब वजारत दाखिला की इमारत को दहशतगर्दों ने निशाना बनाने की कोशिश की थी और नाकामी पर एक हमला आवर ने बाहर ही खुद को धमाके से उड़ा लिया था। तुर्क वजारत दिफा का कहना है कि दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल 20 अहदाफ को तबाह कर दिया गया। अंकरा बम धमाके के बाद इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों पर हमला किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकरा में पार्लियामेंट की इमारत के करीब खुदकुश धमाका हुआ था। हमला आवर ने वजारत दाखिला के गेट से गाड़ी टकराई थी। धमाके के नतीजे में आग लगने से 2 पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इत्तेहादियों को यकीन दिलाते हुए कहा कि हर सूरत यूक्रेन के लिए अमरीका की मदद जारी रहेगी। कांग्रेस खेलना बंद कर दे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इत्तेहादियों को यकीन दिलाते हुए कहा है कि हर सूरत यूक्रेन के लिए अमरीका की मदद जारी रहेगी। कांग्रेस खेलना बंद कर दे। उन्होंने कहा, हमारे पास वक्त है लेकिन ज्यादा नहीं। हम किसी भी सूरत में यूक्रेन के लिए अमरीका की हिमायत को रोकने की इजाज़त नहीं दे सकते। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस में रिमार्क्स देते हुए सदर जो बाइडन ने कांग्रेस पर जोर दिया कि जल्द से जल्द इमदादी पैकेज पर बातचीत की जाए।
अमरीकी सदर ने कहा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की अक्सरियत यूक्रेन की मदद करने की हिमायत करते हैं, कांग्रेस खेलना बंद करे और इमदाद के इस अमल को आगे बढ़ने दे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से कानून साज इस बात को तस्लीम करते हैं कि कांग्रेस में यूक्रेन की मदद के लिए मंजूरी हासिल करना जंगे तवील होने के साथ मुश्किल तर होता जा रहा है। ताहम सेनेट की अक्सरियती रहनुमा चिक शॉमर ने यूक्रेन को इजाफी इमदाद की फराहमी के लिए कानून साजी पर गौर करने का अमल शुरू कर दिया है। ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैककार्थी ने CBS के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि यूक्रेन को जिन हथियारों की ज़रूरत है वो उनकी हिमायत करते हैं, लेकिन उनकी तरजीह अमरीका और मैक्सिको की सरहद की सिक्योरिटी है। हुकूमत को चलाने के लिए यूक्रेन की इमदाद में कटौती करके केविन मैककार्थी ने सेंट के एक और पैकेज के लिए भी रास्ता बंद कर दिया है, जिसके तहत यूक्रेन को $6 अरब की रकम मिलना थी। अब सदर बाइडन अमरीकी इतिहादियों को यकीन दिलाने के लिए काम कर रहे हैं कि यूक्रेन को मजीद इमदादी रकम फराहम करेंगे। गैर मुल्की इतिहादियों ने इमदाद की फराहमी के हवाले से भी तशवीश का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय यूनियन के पॉलिसी चीफ जोसेप बॉरेल ने दौरा यूक्रेन के दौरान कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए एक नई तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है और उम्मीद है कि यूक्रेन के लिए अमरीकी हिमायत जारी रहेगी। गुज़िश्ता हफ्ते कैपिटल हिल में अमरीकी अमाने नुमाइंदगान के अरकान ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। सदर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात के दौरान कहा कि यूक्रेन जंग जीत रहा है, तहम इजाफी इमदाद बहुत ज़रूरी है। मुलाकात के बाद सेनेटर चिक शॉमर ने यूक्रेन के सदर के हवाले से कहा था कि अगर हमें इमदाद ना मिली तो हम जंग हार जाएंगे। टैग TV के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग TV।